गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हम लोग चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं जो कि है वेलकम टू द इंटरनेट। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पहले जो भी इंटरनेट टर्म्स थे, ठीक है, उन सब के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि है कि हम लोग क्या है, कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर हमको इंटरनेट चलाना है, ठीक है, तो हम लोग इंटरनेट को कैसे चला सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, अपने फ़ोन में, तो हम लोग दोनों की बात कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना है कि वेब ब्राउज़र जो होता है, ठीक है, जैसे आपका गूगल क्रोम हो सकता है, आपके मोबाइल में यूसी ब्राउज़र, ओपेरा मिनी ये हो सकता है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो उसमें ये चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है, कि एड्रेस बार क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, बैक और फॉरवर्ड बटन किस काम में आता है, ठीक है, रिफ्रेश रीलोड बटन क्या होता है, कहाँ होता है, स्टॉप बटन किस काम में आता है, और हम जानेंगे सर्चिंग, मतलब सर्च करते कैसे हैं। ठीक है, सर्च करने के लिए क्या स्टेप है और क्या तरीके हैं, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इंटरनेट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इंटरनेट चलाना है, आपको अगर इंटरनेट यूज करना है अपने फ़ोन में, ठीक है, अपने कंप्यूटर में, तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कंप्यूटर। ठीक है, तो फिलहाल लोग सिर्फ कंप्यूटर की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर चाहिए, ऑफ कोर्स बिना कंप्यूटर का आप नेट चलाएंगे कहाँ। इसके बाद कंप्यूटर के साथ आपको क्या चाहिए, मॉडेम चाहिए। ठीक है, मॉडेम, क्योंकि इन जो कंप्यूटर होता है उसमें आप डायरेक्ट नेट नहीं चला सकते, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मॉडेम चाहिए। ठीक है, अभी टेलीफोन लाइन, ठीक है, अब मॉडेम के अलावा टेलीफोन लाइन क्यों चाहिए आपको, क्या होता है कि दो तरीके से, ठीक है, जो मॉडेम होता है, जो आप इंटरनेट चलाते हैं, वो दो तरीके से काम करता है। ठीक है, हो सकता है तो वायरलेस हो, ठीक है, जैसा कि हम लोग अभी चलाते हैं नॉर्मली वायरलेस, कोई वायर नहीं जोड़ के चलाते हैं, बिना वायर के चलाते हैं, या फिर वायर से भी चलता है, ठीक है, वायर वाला कनेक्शन भी आता है। ठीक है, तो टेलीफोन लाइन हम लोग उसको बोलते हैं, टेलीफोन लाइन के थ्रू होता है। तो अगर वायरलेस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वायरलेस नहीं है तो आपको उसके लिए वायर चाहिए, टेलीफोन लाइन चाहिए। इसके अलावा वेब ब्राउज़र चाहिए, ठीक है, और वेब ब्राउज़र क्यों, ताकि आप इंटरनेट को सर्च कर सकें, इंटरनेट पर कोई चीज़ देख सकें। जैसा कि हम लोग अभी पहले ही बात कर चुके हैं कि बिना वेब ब्राउज़र के आप HTML पेजेस को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जो हाइपरलिंक्स है वो आपको कहाँ दिखेंगे, सिर्फ वेब ब्राउज़र में ही दिखेंगे, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, वेब ब्राउज़र में जाना पड़ेगा, तो वो आपके पास होना चाहिए। और इन सब के अलावा आपको जो सबसे अभी एक और चीज़ क्या है, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये कौन होता है, ये जो नॉर्मली आपको जो टेलीफोन कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे जियो है, एयरटेल है, ठीक है, VI यानी वोडाफोन आइडिया है, ठीक है, MTNL है, BSNL है, ठीक है, तो ये सारी जो कंपनियां हैं, आपको इनसे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सिम खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो वे सिम के थ्रू में देती है, आप सिम उनसे खरीदेंगे, आप सिम के साथ आप अपना पैक बनवा सकते हैं इंटरनेट का, ठीक है, ताकि आप इंटरनेट का एक्सेस कर सकें। तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, कंप्यूटर, मॉडेम चाहिए, मॉडेम आप क्या लगाएंगे, सिम कहाँ से मिलेगा, ISP के थ्रू मिलेगा। ठीक है, उसमें आपके पास पैक होना चाहिए, मतलब आपके पास इंटरनेट पैक होना चाहिए, तभी आप नेट चला पाएंगे। वेब ब्राउज़र वो चाहिए, ताकि आप गूगल क्रोम या इंटरनेट, ठीक है, एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, तो आपको यहाँ पे जाके कोई चीज़ सर्च करना होगा। और साथ में टेलीफोन लाइन ज़रूरी नहीं है, अगर आपका वायरलेस है तो ठीक है, अगर वायर वाला है तो आपको टेलीफोन लाइन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, अभी हम लोग अगर बात करते हैं मोबाइल में, ठीक है, तो आपको मोबाइल में आपको सिम चाहिए, ठीक है, ISP के थ्रू आपको सिम चाहिए, आपका सिम होना चाहिए एक्टिव, उसमें इंटरनेट पैक होना चाहिए, और कुछ नहीं, आपको मॉडेम की अलग से ज़रूरत नहीं है, टेलीफोन लाइन की अलग से ज़रूरत नहीं है, वेब ब्राउज़र आप चाहें तो कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास मोबाइल में पहले से वेब ब्राउज़र रहता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अलग से चीज़ें नहीं चाहिए, आप आराम से उसमें नेट चला सकते हैं। अब लोग उसके बाद बात करते हैं वेब ब्राउज़र के बारे में, कि वेब ब्राउज़र में एड्रेस बार क्या होता है, कहाँ पे होता है, क्या काम होता है उसका। ठीक है, तो एड्रेस बार नॉर्मली ऊपर की साइड होता है, ठीक है, टॉप में होता है किसी भी ब्राउज़र के, ठीक है, और वो क्या दिखाता है, एड्रेस। अभी लोग जो बात कर रहे थे इसके पहले, ठीक है, URL की, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये चीज़ में बताया था, तो URL यानी जो वेब एड्रेस होता है, यानी www.google.co.in इस तरह से, या google.com, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे दिखाई जाती है। तो ये कहाँ पे दिखाई देता है, एड्रेस बार में, और हम लोग कोई भी चीज़ जब लिखते हैं कहाँ पे लिखते हैं, एड्रेस बार में ही, ठीक है, हम लोग एड्रेस बार में चीज़ों को लिखते हैं और सर्च करते हैं। तो जो भी आपको दिखाई देगा वेबसाइट का एड्रेस, वो कहाँ पे दिखाई देगा, एड्रेस बार में।
ठीक है, आप अपने बुक में पेज नंबर 96 पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर में ही दिख रहा है एड्रेस। इसके बाद हम बात करते हैं बैक और फॉरवर्ड बटन की, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि बैक और फॉरवर्ड बटन किस तरह से बना हुआ है, ठीक है, ये एक इस तरह से है और एक इस तरह से है, ठीक है, तो ये आपका है बैक, बैक बटन है और ये है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बटन है, ठीक है, तो जैसा कि आपको एरो देख के भी समझ में आ रहा होगा, बैक यानी पीछे और फॉरवर्ड यानी आगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इंटरनेट में इसका मतलब ये है कि आपने जो चीज़ें सर्च की हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आप सबसे पहले फेसबुक खोले, ठीक है, फेसबुक से आप अपने अकाउंट में गए, फिर आप अपने अकाउंट से अपने प्रोफाइल में गए, ठीक है, फिर आप प्रोफाइल से अपने फिर से अकाउंट में आना चाहते हैं, ठीक है, मतलब प्रोफाइल और मैसेज मान लीजिए, तो आप मैसेज में गए, आप मैसेज से पीछे आना चाहते हैं, ठीक है, तो आप फिर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, तो मान लीजिए प्रोफाइल कहीं और है, आप क्लिक नहीं हो रहा है समथिंग, तो आप सिंपल क्या करेंगे, बैक बटन, आप जिस भी चीज़ पे जा चुके हैं पहले, अगर आप बैक बटन दबाएंगे तो आप क्या होगा, पीछे आ जाएंगे, एक बार दबाएंगे तो एक बार पीछे आएंगे, दो बार दबाएंगे तो दो बार पीछे आएंगे, जैसे ठीक है अभी लोग मैसेज पे थे, ठीक है, तो मैसेज से एक बटन पीछे दबाएंगे तो प्रोफाइल पे आए, अब प्रोफाइल से अगर एक बार और बैक बटन दबाएंगे तो हो सकता है कि आपने, ठीक है, मतलब जहाँ पे अकाउंट था मेरा वहाँ पे आ जाए, फिर एक बटन बैक दबाएंगे तो फिर हम जहाँ पे लॉगिन किए थे वहाँ पे आ जाएंगे, फिर बैक दबा दिए तो जो ब्राउजर होगा सीधा ब्राउजर में पहुँच जाएंगे, ठीक है, और उसी तरह से मान लीजिए अभी हम, ठीक है, हमने बैक किया, अब मान लीजिए हम मैसेज पे थे, मैसेज से हम पीछे आ गए कहाँ पे, प्रोफाइल पे, ठीक है, अब हम फॉरवर्ड बटन दबाते हैं, फॉरवर्ड मतलब आगे, तो हम फिर से कहाँ चले जाएंगे, आगे, प्रोफाइल से आगे कहाँ पे, मैसेज पे, ठीक है, तो बैकवर्ड यानी बैक बटन होगा तो पीछे जाने के लिए, फॉरवर्ड होगा तो आगे जाने के लिए, लेकिन याद रखिएगा कुछ चीज़ें कि आप जब इंटरनेट खोल रहे हैं तो आप तुरंत किसी बटन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आप अभी इंटरनेट खोले हैं, ठीक है, आप ब्राउजर का भी क्या किए हैं, खोले हैं, आपने कोई चीज़ सर्च नहीं की है तो आप बैक कैसे हो सकते हैं, आप पीछे कहाँ जाएंगे, पीछे तो आपने कुछ है ही और आगे भी कुछ नहीं है, ठीक है, तो फॉरवर्ड बटन तभी काम करेगा जब आप बैकवर्ड बटन एक बार यूज कर चुके हों, ठीक है, और दूसरी चीज़ आपका बैकवर्ड बटन तभी काम करेगा जब आप कुछ चीज़ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जाकर इंटरनेट पर सर्च करना पड़ेगा इसके लिए। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्रेश और रिलोड बटन की, ठीक है, तो ये क्या होता है, तो रिफ्रेश और रिलोड नाम आप अलग अलग बोल सकते हैं लेकिन चीज एक ही है, उसका काम एक ही है, ठीक है, क्या काम है कि कई बार होता है कि जब पेज होता है लोड होता रहता है तो फोटो सही से नहीं आता या समथिंग इंटरनेट की वजह से कभी हो सकता है डिले होने लगता है, लेट होने लगता है, तो लोग क्या करते हैं, एक गोला सा ऐसा बटन होता है, ठीक है, इस तरीके का तो हम लोग उस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, फिर से पेज लोड होने लगता है, ठीक है, तो जो पेज होगा आपका फिर से लोड हो जाएगा पूरा का पूरा, तो इस बार आपको मान लीजिए इंटरनेट की प्रॉब्लम थी अब नहीं होगी, ठीक है, तो आपको जो इमेज नहीं दिख रहा होगा अब इमेज क्लियर दिखने लगेगा। स्टॉप बटन की बात करते हैं, स्टॉप बटन इस तरह से क्रॉस, ठीक है, जिस तरह से कट करते हैं उस तरह का आपका साइन रहता है, तो स्टॉप का मतलब रहता है आप उसको क्या करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई पेज को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, आपने गूगल ही खोल रहे हैं बट इंटरनेट स्लो है, समथिंग कोई और प्रॉब्लम है और आपका पेज लोड हो ही नहीं रहा है, ठीक है, बहुत टाइम ले रहा है, तो आप क्या चाहेंगे, आप उसको रीलोड कर रहे हैं वो भी नहीं हो रहा है, तो आप क्या करना चाहेंगे, उसको रोकना चाहेंगे, तो रोकने के लिए क्या है, स्टॉप बटन है, ठीक है, ये क्रॉस होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो पेज जो होगा लोडिंग होना बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सर्चिंग के बारे में, ठीक है, कि हम लोग किस तरह से सर्च कर सकते हैं, तो इसके हम लोग पास दो तरीका है, मतलब काम आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको सबसे पहले या तो आप जा सकते हैं gotodouble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 d
एक्सटेंशन है, ठीक है, वहाँ पे हम चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, ठीक है, और गूगल पे वहाँ पे आप जो भी आपको सर्च करना है, आपको सर्च करना है समथिंग क्रिकेट के बारे में या समथिंग फुटबॉल के बारे में, हॉकी के बारे में, तो आप वहाँ पे हॉकी फुटबॉल जो भी चीज़ आपको सर्च करना है वो चीज़ लिखेंगे और इंटर दबाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आप जो भी चीज़ सर्च करना चाहते हो सारा कुछ रिजल्ट सर्च में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा एक तरीका है, ठीक है, कि आप अगर किसी भी ब्राउज़र पे जाते हैं, आप किसी भी वेब ब्राउज़र जाएंगे तो वहाँ पे एक सर्च बार होता है, ठीक है, एड्रेस बार की तरह होता है बट एड्रेस बार के बगल में होता है, ठीक है, और ये एड्रेस बार से अलग होता है। कैसे अलग होता है कि एड्रेस बार पे क्या होता है कि आप जो चीज़ें सर्च कर आप देख रहे हैं वो दिखाई देगा, लेकिन सर्च बार पे आप किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपको गूगल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दरअसल क्या है कि गूगल पे आप जाएंगे वहाँ पे जो सर्च करेंगे वही चीज़ आपको शॉर्टकट पे सर्च बार में दे दी जाती है, तो आप वहाँ पे जो भी चीज़ सर्च करेंगे, ठीक है, वो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, गूगल से भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको क्या ज़्यादा आसान पड़ेगा, आपको गूगल पे जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सर्च बार का भी इस्तेमाल करके चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर 9 है वो ख़त्म होता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट शेड्यूल पे, ठीक है, आपके जो भी एक्सरसाइज है और क्वेश्चन आंसर है वो सब करेंगे। तब तक आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।